भाई मैंने नया आईफोन लिया, मेरा एक स्लोमो लो ना। 3, 2, 1 स्टार्ट। तेरा बाप। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि आप यहाँ पर इस तरह के वोल्केनो इफेक्ट वाली वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो अभी तक के वीडियो से सबसे ज्यादा डिफरेंट है, सबसे अलग वीडियो है। तो अगर आप भी ऐसा वीडियो बनाना चाहते हैं टिकटॉक पे, तो आपको इस वीडियो को क्या करना है, बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वीडियो को आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से देखना है, ताकि हम बहुत आसान तरीके से आपको इस वीडियो में सब कुछ समझा पाए। तो वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। और हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको यहाँ पे इस वीडियो में शूट कैसे करना है वीडियो को, और आपको वीडियो कैसे एडिट करना है। तो अगर आपके पास कान मास्टर एप्लीकेशन नहीं है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाकर के कान मास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, और उसके बाद आप कान मास्टर एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही आसान तरीके से ऐसे वीडियो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं हमेशा आप सभी के लिए यहाँ पे ऐसी ऐसी टिकटॉक वीडियोज का ट्यूटोरियल लेकर आते रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको कान मास्टर ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा आपको बीच में, और उसके बाद यहाँ पे आपको 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, आपको बीच वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपके यहाँ पे मीडिया का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको उस मीडिया वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक वीडियो को रिकॉर्ड करना है। तो आपको एक नॉर्मल सा वीडियो आपको अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लेना है या कैमरे से, तो हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसा वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको एक स्लो मोशन में वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है, और आपको वीडियो में हाथ से गोली मारते हुए वीडियो को शूट कर लेना है। आपको यहाँ पर हाथ से गोली मारने वाला एक्टिंग कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि वीडियो को आपको स्टार्ट करना है। और यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे शूट का आता है सीन, वहीं पे आपको वीडियो को रोक देना है। और उसके बाद क्या करना है कि आपको वीडियो पे क्लिक करना है, और वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको दो पार्ट में बांट देना है। तो आपको कैसे पे क्लिक करके यहाँ से आपको इसको स्प्लिट करना है, तो आपको स्प्लिट एड प्ले हेड पे आपको क्लिक कर देना है, थर्ड वाला ऑप्शन। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वीडियो कट चुका है। और उसके बाद आपको इस कटे हुए वीडियो पे क्लिक करके आपको कलर फिल्टर में जाना है, और आपको यहाँ पे एक फ़िल्टर को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको रेड के एक ऊपर फिल्टर दिख रहा है, तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पूरा स्काई अब ब्लू हो चुका है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको साइड में, लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे आपको सेटिंग के ऊपर वहाँ पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको इसको HD में एक्सपोर्ट कर देना है। और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि फिर से आपको यहाँ पे बैक आना है, और फिर से आपको एक नया प्रोजेक्ट ओपन करना है। तो आपको फिर से यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना होगा, और फिर से आपको प्लस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बीच वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है 9:16 का। और उसके बाद आप क्या करना है कि आपको मीडिया में जाना होगा, और मीडिया में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे किसी भी कलर के आप बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक वाइट कलर के बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से आपको अगेन मीडिया में क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको एक वोल्केनो इफेक्ट वाली वीडियो को आपको डाउनलोड करना होगा। तो आपको YouTube पे सर्च करना है वोल्केनो इफेक्ट ग्रीन स्क्रीन, और आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा वीडियो स्क्रीन पे, तो आपको वहाँ जाकर के उसको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे आपको वीडियो को स्टार्ट करना है, और हम यहाँ पे जो वीडियो हमने डाउनलोड किया है उसके कुछ स्टार्टिंग वाले पार्ट को ही रखेंगे, जिसमें वोल्केनो मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी ऊपर की ओर उड़ता है। और इतना रखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको वीडियो को रोक देना है, और वीडियो को रोकने के बाद आपको यहाँ पे कैची वाले ऑप्शन पे जाना होगा, और उसके बाद आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे, और इसके बाद आपका जो लास्ट का वीडियो है वो सब कट जाएगा। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके आपको उस वीडियो को लेकर आना है जिसको आपने अभी एक्सपोर्ट किया था। तो आपको मीडिया में जाना होगा, और उसके बाद आपको उस एक्सपोर्ट वाले वीडियो को लेकर के आ जाना है। और यहाँ पे कैची के सामने एक बॉक्स दिख रहा है, उस पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में आपको यहाँ पे कर देना है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लू कलर दिख रहा है लास्ट में स्काई ब्लू कलर का वीडियो, तो वहाँ तक आपको क्या करना है कि बैकग्राउंड को लेकर आना है। और यहाँ तक हम लेकर आने बाद क्या करना है कि आपको नीचे इस लेयर वाले वीडियो पर आपको क्लिक करना है, जिस वीडियो को अभी आपने यहाँ पे लाया है। और यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ पे ब्लू स्काई कब आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आता है वैसे ही आपको यहाँ पे इसको रोक देना है। और रोकने के बाद आपको क्या करना है कि कैची वाले ऑप्शन पर जाना होगा आपको, और यहाँ पे स्प्लिट एड प्ले हेड पर क्लिक कर देना है थर्ड वाले ऑप्शन पर। और यहाँ से बैकग्राउंड को आपको क्या करना है कि आपको छोटा कर देना है, आपको जो यहाँ पे ब्लू कलर का वीडियो दिख रहा है उसको आपको मतलब वोल्केनो इफेक्ट के ऊपर रखना है। तो इस तरह से कर देने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इस लास्ट वाले क्लिप पे क्लिक करके यहाँ से आपको क्रोमा की में जाना है, और इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ पे की कलर में आप देख सकते हैं कि रेड कलर सेलेक्ट है, तो आपको यहाँ पे इसमें आना है, और आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा है तो आपको इस ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेना है।
और इसको सेलेक्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा है सब कुछ, तो यहाँ पे देख सकते हैं दो चीज़ आपको दिख रहा होगा, तो आपको इस दोनों परसेंटेज को अच्छे से मैनेज करना होगा। तो इसको अच्छे से आप अगर मैनेज कर लेते हैं तो आपका वीडियो यहाँ पे 100% परफेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से देख लेना है मैनेज करके, और उसके बाद हमने यहाँ पे अच्छे से वीडियो को सेट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा वीडियो 100% बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम आपको वीडियो को स्टार्ट करके यहाँ से दिखा देते हैं कि हमारा वीडियो कैसा बना है। तो हम यहाँ से आपको स्टार्ट करके दिखा रहे हैं वीडियो को कैसा बना है। तो यहाँ पे हमारा वीडियो एकदम 100% परफेक्ट बना है। तो आप भी ऐसे वोल्केनो इफेक्ट वाली वीडियो को बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आपको वीडियो एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इसको दोबारा देख सकते हैं, और वीडियो बन जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यहाँ से वीडियो को HD में एक्सपोर्ट कर लेना है।